इस वक्त हम लोग आ गए हैं आगरा फोर्ट और हमारे साथ राजू सर हैं जो कि यहाँ के गाइड हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे राजू सर हैं और राजू सर के ऊपर ठीक आपको एक ये तिरंगा दिख रहा है जो हमारे देश की शान है, हमारी आन है। वो जाहिर है, इस तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं, इस तिरंगे के लिए मरते हैं। और क्योंकि जो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत वो आधा ईमान होती है, तो जाहिर है कि हमें अपनी वतन से मोहब्बत करते रहना है। और जब भी आप आगरा आते हो तो आपके मन में ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और मेनी मोर जो यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो ध्यान में जाते हैं। लेकिन अक्सर होता है कि हम प्लेस जाते हैं लेकिन हमें वहाँ की हिस्ट्री नहीं मालूम होती। तो हम राजू सर से कहेंगे कि आज आगरा फोर्ट की हिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम आपको डिटेल के साथ राजू भाई के साथ बनाएंगे। लेकिन इस वक्त ये शॉर्ट वीडियो, इसमें आपको उस हिस्ट्री के बारे में मालूम हो जाए, वो प्लेसेस मालूम हो जाए जिन पर आप घूमने के लिए आगरा आते हैं। तो राजू सर बताएंगे यहाँ गेट पर हम लोग आ गए। हम लोग जहाँ खड़े हैं, इस गेट का नाम अमर सिंह गेट है। ये अमर सिंह राठौर जनरल थे मुगल आर्मी में शाहजहाँ पीरियड में, तो इनका मर्डर इसी गेट पर हुआ, इसलिए नाम अमर सिंह गेट और द कमांडर। लेकिन उससे पहले ये है कि इस किले की हिस्ट्री ये है कि काफ़ी पुराना किला है। चौहान राजपुत्रा था, बादल सिंह ने इसको बनाया था 1000 AD। उस समय उसी राजा के नाम पर इस फोर्ट का नाम था बादलगढ़ फोर्ट, लेकिन मठ फोर्ट था, कच्ची मिट्टी का बना किला था। 1475 में मुस्लिम ही आए, सिकंदर लोधी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर किया, आगरा शहर को बसाया। 1526 में सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी मालिक थे बहुत बड़े साम्राज्य के, जिसमें आगरा, दिल्ली और पंजाब शामिल थे। तो पहले मुगल राजा बाबर, जिन्होंने पानीपत के मैदान में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया और मार दिया, आगरा, दिल्ली और पंजाब पर कब्जा किया। तो सबसे पहले जब मुगल आर्मी इस किले में आई तो बाबर के बेटे हुमायूं के साथ आई। हुमायूं को यहाँ बहुत बड़ा खजाना मिला, एक हीरा मिला, इसको बाबर ने नाम दिया कोहिनूर। कोहिनूर इस समय इंग्लैंड में है। वह कैसे पहुंचे इसकी जानकारी आप आपके चल के देंगे। लिखाई बनाई थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, ये किले के चार ओर है, इसमें पानी भरते थे, मगरमच्छ होते थे सिक्योरिटी के लिए, जिससे दुश्मन इजीली क्रॉस ना कर सके। दो इसकी बाउंड्री वाल, आउटर वाले की हाइट 40 फीट, अंदर में हाथ अंदर वाली हाइट दीवार की हाइट 70 फीट। वो होल देख रहे हैं, उस पर गन्स लगती थी जिससे दुश्मन को मार गिराया जाए। और ये गेट है, गेट में दो आयरन की चेन है, इनके पीछे दरोल रहते, ड्रॉप रहते थे, इस गेट को बंद कर दिया जाता था सिक्योरिटी के लिए। ये अमर सिंह गेट है। अमर सिंह राठौर ये जनरल थे मुगल आर्मी में शाहजहाँ पीरियड में, तो इनका मर्डर इसी गेट में, जहाँ अमर सिंह गेट नाम दिया गया। अदरवाइज अकबरी दरवाजा था, इसी से एंट्री करते चलते हैं हम लोग, एंट्री करते हैं। और ये देखा, आप उम्मीद है कि आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन है राजू सर की बहुत अच्छी लग रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्यों करते हैं, क्योंकि बाद हम लोग ये टिकट ले लिया है, और ये टिकट ये 40 रुपीज़ का है टिकट जो अभी हमने परचेज किया है। एंट्रेंस है, यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, हम भी आके सिक्योरिटी कराने के लिए, टिकट हमारे पास है। राजू सर ये गेट बताएं इसके बारे में। ये सेकंड गेट है फोर्ट का। देखिए इस पे ये दीपक डिजाइन थे, जिसे हजारी दीपक डिजाइन बोलते हैं। तो ये आंतरिक अमर सिंह गेट कहा जाता है। और इधर जो ये तोप दिख रही है, ये तोप अभी जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, कोरोना काल में वहाँ मिली थी बोरबंद करते हुए किसान को, तो यहाँ ला कर रख दी है। दो भाई को किसान पहले रखी गई है, वैसे है ब्रिटिश की। तो सेकंड गेट के दोनों साइड में उस समय ये प्लेटफॉर्म लगा रहे, इस पर था नौबत खाना लगा रहे। उस समय जमीन को प्ले कर देते थे, एक सूचना मानी जाती थी कि मुगल किंग इस गेट से आ रहे हैं। ये पत्थर का कटिंग है, हॉरिजॉन्टल कटिंग है, जिसमें हाथी घोड़े आसानी चढ़ कर निकल जाए, तर से निकली हो। डाउन में हम मुगल सैनिक होते थे सिक्योरिटी के लिए। ऊपर बालकनी जिसमें महिलाएं होती थी, जिनके हाथ में फ्लावर्स होते हुए राज आए तो फ्लावर कर रहे थे। ये फ्रंट गेट में रॉयल गेट पर पर्शियन वर्क था, पर्शियन देखिए भाई जी, ईरानी वास्तुकला। अगर खराब हुआ तो सीमेंट से रिपेयर किया। आज की डेट में जो गेट है, ये ऑफिस है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, मिसी सेंटर का रजिस्ट्री किसी और के नाम। अस्तबल हुआ करता था जहाँ घोड़े खड़े होते हैं। ये आपने पीछे छुपा ये रॉयल गेट, सामने चौथा गेट वेलकम गेट है। ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर्स का है। स्लो पे तो सिक्योरिटी के लिए, मुगल टाइम में दुश्मन के लिए अटैक करे तो ऊपर से गर्म तेल हैवी रोलिंग स्टोन जिससे दुश्मन को डाले। वहाँ पहले बीच में सीमेंट किया गया था, सीमेंट हटा के दोबारा कर दिया। लेकिन जो ब्रेक है इनको लाखोरी ब्रिक्स बोला जाता है, लाखोरी 6x6 का साइज होता है, मड और चूने से तैयार होती है।
गाय के गोबर से गर्म किया जाता था उस समय, और उसमें चूंकि सीमेंट नहीं था लाइम स्टोन ग्रेनाइट को पाउडर बनाया और दाल उड़द और गुड़ और गोंद को पेस्ट करके इसको चिपका दिया गया। ये मसाले को सुरखी कहलाया। तो सबसे पहले मुगलों की हिस्ट्री ये है कि मुगलों का जो अराइवल है इंडिया में ये सेंट्रल पार्ट एशिया यानी मंगोलिया से है। किंग बाबर जो कि फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के इंडिया में, इनकी मदर मंगोलियन, चंगेज खान साइड से फोर्ट एडवेंचर्स, नाम था मदर का कुतुब निगार खानम, फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये समरकंद, उज्बेकिस्तान, टर्किस मुस्लिम, तैमूर लैंग साइड के फिफ्थ वंश जो पार्ट एशिया का सल्तनत मदर के नाम पर चलती है। टर्किस मुस्लिम को मुगल कहा लेकिन इंडियन हिस्टोरियन को मुगल कहा, तो सभी मुसलमान थे। पहले बाबर, दूसरे किंग हुमायूं, तीसरे किंग अकबर। अकबर को ग्रेट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनाया और शाहजहां के बाद औरंगजेब, यही माशाल्लाह थे। सामने जहांगीर का महल है। अकबर ने बनाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए लाल पत्थर से ऊपर, इसके बालकनी दोनों साइड में डॉम्स, मुगल से नहीं खड़े होते थे सिक्योरिटी के लिए। सेंटर में देखें बड़ा सा गोल बाउल, ये जहांगीरी हौज है, बाथटब है ये। पहले बाथरूम जैसे टूरिस्ट देख सकते हैं। अकबर के तीन पत्नियां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तीनों पत्नियों के बीच में बेटा हिंदू पत्नी जोधाबाई को हुआ, तो जोधाबाई के पेरेंट्स ने गिफ्ट बावला जो बाथटब, इसमें हीरे भर के, अब हीरे तो है नहीं, बाथटब बचा है। ये सैंड स्टोन है, एक ही पीस में कोई जॉइंट नहीं, तीन सीढ़ियां इसके बाहर, तीन इसके अंदर, 5 फुट इसकी ऊंचाई और 8 फुट इसकी गोलाई। दोनों साइड में सोना भी लगा हुआ था, लेकिन 1761 में डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का। एक हिंदू जाट राजा थे सूरजमल, जो भरतपुर के जाट किंग थे, उन्होंने इस किले पर हमला बोल दिया। लेफ्ट पे देखिए डैमेज पार्ट, अकबर का महल था, तोड़ दिया और बाथरूम से इसको उठा के ले जाने की कोशिश की तो सोने का कवर भर आया, सोना ले लिया, इसको छोड़ दिया एक सीढ़ी टूटे इसको खाने में। लेकिन मुगल टाइम बाथरूम में था, आधा जमीन में था, 3000 किलो इसका वजन है। फिर कॉर्नर की तरफ मूव करेंगे, कोने से एक लाइन स्टार्ट हो रही है जिसमें गोले गोले से बने दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म को। इसके डाउन में सेकंड लाइन देखेंगे, पहला दोनों ब्लॉक खाली हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे एक क्रॉस, क्रिश्चियन, व्हाइट डिजाइन गेट पर इंडो अरबिक, येलो स्टोन व्हाइट विल पर्सियन, स्टार ऑफ डेविड जूरिस, लोटस फ्लोवर गेट पर हिंदू, जो व्हाइट वाला सेंटर में कार्व द इस्लामिक। अकबर ने सब धर्मों को एक साथ मिला के एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। दोनों साइड में मुगल सैनिकों के लिए सिक्योरिटी के लिए वेंटिलेशन एयर एंड लाइट के लिए, ऊपर देखिए एलिवेशन स्टोन का ऊपर, ये इन्वर्टेड व्हाइट मार्बल, तो ये पर्शियन आर्किटेक्चर है टोटल। ये एंट्रेंस भी है महल का। काफ़ी खूबसूरत हैंड कार्विंग वर्क है रेड सन स्टोन पर, ये मैनुअल वर्क है, गौर से देखे तो स्टार बने हुए हैं। ये सिक्स कॉर्नर स्टार है, स्टार ऑफ डेविड जूरिस, मेहराब से मुस्लिम, से लोटस फ्लोवर लीफ हिंदू, ये बॉटम टू टॉप एक ही पीस ऑफ पिलर है, कोई जॉइंट नहीं। तो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इस साइड में, मुगल राजा यहाँ बैठते थे, म्यूजिशियन सामने, डांसर सेंटर में, रॉयल एनफील्ड टॉप पर, तो उस समय का ये रंग महल है, 20 वाइफ्स थी उनके। लेकिन लास्ट वाइफ काफ़ी पॉपुलर थी मुगल हिस्ट्री में, जिनका नाम नूर जहाँ था, बहुत ही पॉपुलर। लेकिन शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनाए, जहांगीर की सेकंड पत्नी के बेटे, जिनका नाम मानवती था, जोधपुर से, शाहजहाँ की मदर भी हिंदू। शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम था, खुर्रम के नाम से जानते थे, जब शहंशाह बने तो शाहजहाँ के नाम, तो उस समय का ये रंग महल है एंटरटेनमेंट का। रंग महल की रंगीनियाँ देख लीजिए आप। और अब आगे चलते हैं और हमारे जो गाइड महोदय हैं वो हमें क्या क्या बता रहे हैं, और जितनी बढ़िया से इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें भी नहीं थी भाई। इसको गौर से देखा जाए तो ये स्वास्तिक बना हुआ, गुड, ये हिंदू साइन है, 3 हेक्सागोनल पॉइंट दोनों साइड, मुस्लिम, और ये क्रॉस,
अकबर के तीन बीवियाँ हिंदू मुस्लिम, प्रिंसेस रुकैया बेगम मुस्लिम, जोधाबाई हिंदू, थर्ड मरियम क्रिश्चियन। भुवानी बीवी थी लेकिन पोर्टुगीज थी। और ये गोल्ड पेंट है चूँकि उसमें बिजली नहीं थी तो इसके छोटे छोटे दीपक अमेजिंग। दोनों साइड में टॉप पर, इधर भी और इधर भी टॉप पर ये वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं। मुगल टाइम में बिजली नहीं थी तो लेदर के बैग से पानी भरते थे जिसे मसक बोलते थे। ये ड्रेनेज है वेस्टेज वाटर से नदी के तो आया। ये होल है पास में नदी के लिए। सामने आपके ताजमहल, रिवर का नाम है यमुना। सामने टॉप पर दीवार की चौड़ाई 2 मीटर से ज्यादा है। ये एंट्रेंस वाली जो वॉल है ये समर पैलेस है और मुगल राजा जहांगीर का बेडरूम भी है। 2 मीटर से चौड़ी दीवार है और ये समर पैलेस है, समर बेडरूम है किंग का। मुगल टाइम फ्लोर पर कारपेट, दीवारों पर गोल्ड पेंट, ऊपर लाइट और डायमेंशन है लेकिन बिजली नहीं, कूलर नहीं, पंखे नहीं, इन्वर्टर खाली है। पानी का टैंक ऊपर बताया, उससे पानी भरने लगते थे कूलिंग के लिए। इन दीवारों में पानी दौड़ता रहता था, उसमें रहता नेचुरल एसी रूम। गुड। इन दीवारों में हम बात भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अच्छा, किस तरह से? आइए जरा कर लीजिए। ये हम लोग दीवार से बात करने जा रहे हैं। लोग ये दीवार पे कान लगा रखी है मैंने, देखता हूँ। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? कैसे हैं? जी जी, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, थैंक यू। ये तो बड़ा ही उस जमाने का हाईटेक है, जैसे कि राजू सर ने बताया। और मैं यहाँ प्रॉपर वे में उसको सुन रहा हूँ। सराउंडिंग भी आ रही है लेकिन अंदर से भी आवाज यहाँ पर आ रही है। थैंक यू। अब हम चलते हैं हवा महल की ओर। ये मुगल टाइम में ये हवा महल है। एक्चुअल में क्या था कि रिवर का वाटर लेवल काफ़ी हाई था, ग्रास कर्टन लगते थे, या चांदी का झूला भी लगता था जो किंग जहांगीर इसको झूलते रहते थे। तो समय में ये एंटरटेनमेंट के लिए है हवा महल। और ये वेंटिलेशन यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से खुला दिखाई दे रहा है। जब बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहर से आपको बंद दिखाई देगा। देखिए इधर को पलट के, यहाँ से बंद दिखाई दे रहा है। गुड। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये वाइट मार्बल का वर्क है। ये शाहजहां का वर्क है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, 3 पत्नियां थी इनको, लेकिन जो ताजमहल बना 3rd पत्नी मुमताज के लिए बना। मुमताज और शाहजहां की बात करते हैं, 1612 में मुमताज की मैरिज शाहजहां से, 1630 में डेथ। 18 साल की मैरिड लाइफ थी, 14 बच्चे पैदा हुए मुमताज को, जिनमें 8 बच्चों की डेथ हो गई, 6 जिंदा। मुमताज की डेथ हुई 14वीं दिल्ली में बुरहानपुर में। बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश का लास्ट जगह है जहाँ से महाराष्ट्र होता है, जहानाबाद टाउन, ताप्ती नदी। तो आउट ऑफ 14 6 जिंदा रहे, जिनमें 4 बेटे थे, 2 बेटियाँ। 4 बेटों में दारा से कोशुजा औरंगजेब मुराद, 2 बेटियाँ रोशन आरा धनारा, औरंगजेब के 3rd बेटे जिन्होंने पावर हाथ में ली, शाहजहां को बंदी बना दिया, बाकी भाइयों को मार दिया। बहनों को नहीं मारा था तो एक बहन यहाँ रहती थी रोशन आरा। पालकी समझते ना, पालकी? जी जी जी। ये पालकी डिजाइन में सोना लगवा था, सोना इस समय नहीं है, ये ब्रास। ये पहली वाली साइड में इसमें जंगली जानवर हैं ये होते थे, इसमें दोनों साइड इसमें ये मगरमच्छ विद वाटर, और दोनों साइड में तो यानी 3 लेयर सिक्योरिटी थी, सीसीटी, कैनन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। वाह। और यहाँ से ताजमहल का व्यू किस था? ताजमहल का व्यू दिखता ही है। क्या बोला, कौन सी सिक्योरिटी थी? सीसीटी, कैनन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। गुड। हम देखेंगे शाहजहां मुमताज का बेडरूम। ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, खास महल। खास मुगल टाइम फ्लोर पर कारपेट,
सा गोल पॉइंट देखिए कोना दिख रहा है, ये डायमंड का डिजाइन विद गोल्ड पॉइंट दोनों साइड में। देखिए मार्बल में लाइट पास हो रही है, ट्रांसमिशन मार्बल है, थोड़ा करा के देखेंगे। ये छह प्लेट हीरे जो हमारा थी इधर और छह इधर जो अब नहीं है, इनके ऊपर इतना रिफ्लेक्शन एक कैंडल लगा देने से पूरा मैं पंखे से भर जाता हूँ। टॉप पर देखिए आ रही है हम सुना लगता था पर्दे का पंखा हैंड कर्टेन से नौकर बाहर होता था तो पूरी रात राजा रानी से हवा देता था। यहाँ पर इनका डाइनिंग हॉल और सामने ठीक अंगूर बाग, तो ये अंगूर पैदा करते थे, शराब बनाते थे राजा के लिए, तो वाइन यार्ड है। हालांकि इस्लाम में शराब शराब प्रोहिबिटेड थे लेकिन मुगल किंग पीते थे, तो ये राजा के लिए कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन नहीं होता। और ये ऊपर नीचे रूम हरम उनका, इसमें एक प्लेटफॉर्म पर इवनिंग टाइम में घर जाते थे, महिलाएं इनको मनोरंजन किया करती थी। ये पांच के ऊपर ये बड़े बड़े 32 छोटे छोटे 37 फंक्शन है। ये हेड में सर वाटर सप्लाई टैंक है, तो गुलाब जल मिला शहनशाह को उसका उस समय का स्विमिंग पूल है। ओके, ये खाड़ी जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्विमिंग पूल है। देखिए शाहजहाँ के फादर जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत मशहूर, 1605 में जब मुगल राजा बने थे उन्होंने 100 किलो सोने की एक चेन बनवाई थी जिसकी लंबाई 80 फीट थी, जिसमें 60 घंटियाँ थी। चैन एक डोम पर लटकती खाई के पार एक खंभे से बनी हुई थी। हिंदुस्तान में अगर न्याय संघ में किसी को अपराध तो जंजीर खींच दिया करता था, उसे जहांगीर चैन ऑफ जस्टिस जंजीर अदर या न्याय की जंजीर कहते थे। इस समय जंजीर यहाँ नहीं है, कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है लेकिन कहाँ गई किसी को कोई पता नहीं। हम देखेंगे शाहजहाँ की जेल जहाँ बंद थे। शाहजहाँ की बड़ी बेटी ये जहानारा का महल है, बहुत ही प्यारी बेटी थी शाहजहाँ की। जब शाहजहाँ बंद थे तो इन्होंने अपने फादर की बहुत सेवा की, 8 साल तक अपने अंतिम 8 साल तक यहीं बिताए। ओल्ड एज थी शाहजहाँ की, 3 बेटे खत्म, 3 बीवियाँ खत्म, ताज भी गया, अपने भी कमजोर बेटे ने बंदी बना लिया तो उनका दिखता नहीं था। ताजमहल देखना चाहते तो जिनकी रिक्वेस्ट के बेटे और राइट में एक शीशा लगवाया था मैगनम शाही किला जिसमें ताजमहल का रिफ्लेक्शन आया करता था। शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे, ताजमहल देखते थे, शाहजहाँ की डेथ हो गई तो उनका ये डेथ पैलेस है। इनकी डेड बॉडी को नाव द्वारा इनकी बेटी उठा के ले गई और ताजमहल में मुमताज के बगल में दफना दी। बीचों बीच एक फाउंटेन, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई वजू करने के बाद मीना मस्जिद मिला नवाज के लिए। ये लॉक गेट वाशरूम में शाहजहाँ का पूरे टाइम था। सेकंड गेट तो ये शाहजहाँ की जेल है, अंतिम 8 वर्ष के लिए। अगर हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि ताजमहल शाहजहाँ को दिखता कैसा, और ये देखें इसका एक पिक्चर में, ये देखिए। अरे बीच में से हट जा भाई, क्या ताजमहल दिख रहा है क्या आपको? यस, ऐसा शाहजहाँ को ताजमहल दिखता था रिफ्लेक्शन में, और ऐसे ही देखते देखते इनकी डेथ हो गई। तो ये आगरा फोर्ट का थोड़ा सा हमने आपको दर्शन कराया है, कुछ जगह भी प्लेस बाकी हैं लेकिन हम लोगों का थोड़ा टाइम जल्दी है, ट्रेन लेना है और राजू सर को भी कहीं भी और भी इनके जो फॉरनर्स जो टूरिस्ट होते हैं वो आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि राजू सर ने बहुत मेहनत से हमें दिखाया। और नेक्स्ट टाइम लोग आएंगे जो चीज़ें यहाँ के रह गए वो राजू सर के साथ कम्प्लीट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।